हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, हम आज पढ़ेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक एक पॉइंट से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के नाम से उस यूनिट में ये पढ़ा जाता है, और क्लास 11th में भी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में ही इसको डिस्कस किया जाता है। और ये बेसिक टॉपिक और काफ़ी सारी चीज़ें बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स टॉपिक्स में से, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, लोकलाइज डीलोकलाइज बॉन्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है। तो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या शर्तें होती हैं, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, आज उसके बारे में हम यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ सीखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरली ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसकी जो जो कंडीशन या जो जो शर्तें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो शर्त ये है, कंडीशन ये है कि सबसे पहली बात, एटलीस्ट वन कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिड, कम से कम एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, एंड नेबरहुड कार्बन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। नेबरहुड कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ये शर्त है। अभी एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आ पाएगा, तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तो हम यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कार्बोकैटायन है, ये तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखने का सबसे सिंपल तरीका, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, एक दो तीन सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कह रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये, और ये एक sp2 है, और इसके पड़ोस वाला कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ी हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि एक दो तीन चार सिग्मा बॉन्ड का ये फॉर्मेशन कर रहा है। sp1 p2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आया है। तो एक इस तरीके का कंपाउंड भी आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। और यहाँ पर जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बनाते हैं, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, तो 3+1 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाएगा। तो आगे कैसे देखते हैं हम उसे समझते हैं। फिलहाल हम और भी एग्जांपल आपको बताते हैं कि हम किसी और चीज़ों में भी ये चीज़ें देखी जा सकती है, जैसे आपके पास ये है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड वाले सब sp2 होते हैं, एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये हाइब्रिडाइजेशन का रूल है। तो पाई नहीं है, एक दो तीन सिग्मा sp1 p2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पड़ोसी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि चार सिग्मा बॉन्ड है, और इसके पास एक दो तीन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये भी चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, एक ज़्यादा बनाता है। तो मतलब एल्कीन टाइप वाले भी इसे शो कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले कार्बन को देखूं तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड वाला, एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp2 है, लेकिन इसके पड़ोस में नहीं है, तो इसकी वजह से कोई फॉर्म नहीं बनेगी, इन वालों की वजह से ही अल्फा हाइड्रोजन से एक ज़्यादा वाली ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो हम कार्बोकैटायन के लिए भी बता सकते हैं, एल्कीन्स वाले के लिए भी हाइपर कॉन्जुगेशंस बनाए जा सकते हैं। और दूसरा, अब एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अब यहाँ पर दिखाने वाले हैं CH3 CH2, और ये है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स उनको कहते हैं जो होमोलिटिक फिजन से बनते हैं, और जिनके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आपके फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका जो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, तो उसका बस अपने पास एक सिंगल अपना इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसी का खुद का इलेक्ट्रॉन है, ना उस पर पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बस उसके खुद का अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूट्रल स्पीसीज़ है, और एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा ये काउंट नहीं करते हैं। तो आपके पास तीन ही सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3,
और इसके पड़ोस वाला sp3, और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी तीन तीन चार, ये चार, ये भी चार, और ये भी चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी तीन, इसके पास भी तीन, इसके पास भी तीन। तो हम केवल हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए ही नहीं, बल्कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और साथ ही साथ एल्कीन्स वालों की स्टेबिलिटी इसको भी समझाने के लिए बताते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एज द मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम एक एक करके हम कार्बोकैटायन को डिस्कस करेंगे। सेम टू सेम हम इनको भी ऐसे ही फ्री रेडिकल्स को भी और ऐसे ही एल्कीन के लिए भी बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से पॉज करके, और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने के बाद हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक पर, कैसे हम स्टेबिलिटीज़ वगैरह को देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आओ सीखें। हम यहाँ पे कार्बोकैटायन को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, या कार्बोकैटायन को और फ्री रेडिकल्स को और कार्बन आयंस को, इन सब की भी स्टेबिलिटीज़ वगैरह देखी जा सकती है। और फिलहाल हम यहाँ पे कार्बोकैटायन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH CH3 पॉजिटिव, CH3 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 पॉजिटिव। 0 डिग्री पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन, एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री, कार्बोकैटायन बन गया। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज से जुड़े कार्बन के बगल में कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से जुड़े कार्बन के ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी है 6 है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर आप देखो तो 9 है। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इससे एक ज़्यादा बनता है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो एक बनेगा, वो खुद ही है, ये खुद ही है, इसका और कुछ नहीं बनेगा। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उससे एक ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन से एक ज़्यादा बनता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। और इसमें अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स की बात करें तो एक ज़्यादा 7 बनेंगे, और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 10। अभी हम बना के दिखाते हैं एक एक करके। तो जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो इसका तो आपको समझ में आ गया कि एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये खुद ही है। हम यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन के लिए आपको समझाते हैं। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन को मैं यहाँ पे आपको खोल के लिख लेता हूँ, CH2। मैंने इसे खोलना, जितना खोल के बनाऊंगा उतना कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, इसलिए मुझे जिसकी ज़रूरत है मैं उसको शो कर रहा हूँ। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, कोई रेजोनेंस की कंडीशन ये थी कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल सिंगल, सिंगल पॉजिटिव, सिंगल नेगेटिव, सिंगल लोन पर ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है जिसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये चाहता है कि इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो अपने पड़ोस वाले कार्बन से कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। इसने कहा मेरे पास 4 हैं और जो मैं अपने सारे यूज़ कर चुका हूँ, तो वो हाइड्रोजन से उधार लेगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और इसको देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा तो इसका चार्ज हटेगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बनाएंगे, और जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन मजाक में H का इलेक्ट्रॉन चला गया तो H पर पॉजिटिव चार्ज। अब जब H पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो कहेगा कि भाई कार्बन जो तूने मेरा इलेक्ट्रॉन लिया था भाई मुझे दे दे, बहुत देर हो गई मजाक। तो कार्बन क्या करेगा, इसके पास नहीं है तो ये हाइड्रोजन से इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ले करके, और इसको सेटिस्फाइड कर देगा, और फिर इसका इसके बीच बॉन्ड आ जाएगा। या इलेक्ट्रॉन नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, पर बॉन्ड नहीं होता, बॉन्ड इज़ नॉट अ डंडा, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं सिर्फ। तो डबल बॉन्ड CH2 नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब ये नहीं चाहेगा तो बोलेगा जो मेरा इलेक्ट्रॉन लिया था वो दे दो, तो वो इस बगल वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल हेडेड, सिंगल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हाफ हेडेड एरो, मछली पकड़ने वाले कांटे, फिश हुक एरो, या हाफ हेडेड आधा मुंह बना के शो करते हैं। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, और यहाँ पर CH2। अब ये नहीं चाहेगा कि मैं पॉजिटिव के फॉर्म में रहूँ, तो H+ हमारा इस वाली पोजिशन पर भी घूम चुका है,
इस पोजीशन पे भी H प्लस आ चुका है और इस पोजीशन पे भी H प्लस आ चुका है, सभी जगह पे आ गए हैं। अब क्या होगा, ये नहीं चाहेगा ऐसे, तो ये वाले बॉन्ड ने इधर शिफ्ट होना था और इस पर पॉजिटिव आ जाता, लेकिन अगर मैं उसे बनाऊंगा तो वो पहले जैसा दिखेगा। तो हम रिपीटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते, तो हमारे पास यही स्ट्रक्चर बनेंगे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 1, 2, 3, 4, मैंने पहले ही बोला था चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने थे, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है? 4, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक एक करके 2 डिग्री और 3 डिग्री को समझेंगे। उसको बनाने के लिए हमें और स्पेस चाहिए, तो हम उसे शो करते हैं आपके पास। तो 2 डिग्री वालों के लिए कैसे बनाते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, वहाँ पे मैं पीछे ही था। 2 डिग्री कार्बोकैटायन के लिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन में आपको पता है 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। तो ये कैसे बनेंगे 2 डिग्री वालों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसको हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे आप 2 डिग्री कार्बोकैटायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो। तो मैं एक तरफ खोल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि खोल के तो मैं सब तरफ दिखा सकता हूँ इसे, लेकिन जितना हम इसे ओपन करके शो करेंगे वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो कार्बन की 1, 2, 3 वैलेंसी और इसका H है यहाँ पर, और 3 वैलेंसी हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए पॉजिटिव है। तो वो नहीं चाहेगा, तो अभी आपको दिखाया था कि याला बॉन्ड इधर, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले घुमाया था, सेम टू सेम वही काम करना है। सी, फिर CH3 और इस पर H है, 1, 2, 3, 4, इसका क्योंकि वैलेंसी पूरी हो गई, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया इसका, एक्चुअली इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोजन का पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो आ गया। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो H+CHH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर H, फिर ये नहीं चाहेगा ऐसे, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा या इलेक्ट्रॉन एक्चुअली शिफ्ट होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। अब आप यहाँ पे से एक काम देखोगे, H+H+H+ आ गया, तो अब वो नहीं चाहेगा कि मैं पॉजिटिव के फॉर्म में रहूं, तो ये बॉन्ड इधर इस पर पॉजिटिव आएगा। अगर इस पर पॉजिटिव आता है तो वो सेम टू सेम पहले जैसा दिखाई देगा, डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ऐसा। तो हम रिपीट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उन्हें रिपीट को वैसे भी काउंट नहीं करेंगे, तो रिपीटिंग स्ट्रक्चर ना बने हमारे, तो हम एक काम करते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसे समझो कि ये ए है और ये वाला ये ग्रुप ए है, ये बी है। तो नेक्स्ट बनाने के लिए मैंने इस कार्बन से बी वाले को इधर लिख दिया और ए वाले को बस इधर लिख दिया। तो मेरे लिए जो ए है वो ये हो गया और मेरे लिए जो बी है वो मेरे लिए ये हो गया। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हम आपको बता दें कि इधर की तरफ सी एच है ये वाला, ये सी एच थ्री इधर की तरफ आ गया सिंगल बॉन्ड के साथ, और ये डबल बॉन्ड वाला के साथ ए वाला जो था वो ऊपर की तरफ लिख दिया। डबल बॉन्ड सी, एक तरफ एच है, दूसरी तरफ एच है और एक तरफ एच प्लस है, तो एक तरफ एच प्लस है। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, ये इधर शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच एच प्लस और इधर की तरफ बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच एच और इस तरफ एच प्लस, यहाँ पे भी आ गया, इस पोजीशन पे भी आ गया, इस पोजीशन पे भी आ गया। ऐसे ही करके आपको सब जगह रोटेट करना होता है। तो अब आप स्ट्रक्चर्स देखें अगर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने थे और वो बन भी गए, तो 7 के लिए भी समझ में आ गया। अब हम यहीं पे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इसके लिए। अब मैं 3 डिग्री का भी आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में मुझसे सवाल किया था किसी ने कि सर 3 डिग्री के लिए कैसे बनाए, तो कुछ नहीं करना 3 डिग्री के लिए, बस यहाँ पे क्या होगा H की जगह CH3 होगा, यहाँ पर क्या होगा CH3 होगा, ये H की जगह यहाँ पे क्या होगा CH3 होगा, इस H की जगह यहाँ पे क्या होगा CH3, H की जगह यहाँ क्या होगा CH3। अब 3 डिग्री के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे CH3 और इसकी जगह यहाँ पे बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके लिए CH3। अब जैसे H+H+H+ लेफ्ट साइड में घुमाया, 3 स्ट्रक्चर बनाए, H+H+H+ ऊपर वाले में घुमाया, 3 बने, ऐसे ही H+H+H+ नीचे वाले के लिए भी घुमाएंगे। अब आप इसको B समझो इस पूरे ग्रुप को, और इस वाले नीचे को C समझो, तो C को ऊपर और B को नीचे ले आएंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3, 3, 6 और 3, 9, 9 से एक ज़्यादा 10 बनेगा, तो हम इसको पूरा ऊपर लेके जाएंगे और इसको नीचे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, अब ये जो C वाला था पूरे ग्रुप को मैं ऊपर ले गया, और डबल बॉन्ड C, एक तरफ H है दूसरी तरफ H है और एक तरफ H+ है,
तो अब हम ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे तो नेक्स्ट कैसा दिखाई देगा हमें, सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी, इस तरफ बॉन्ड, इस तरफ इसका बॉन्ड चला गया तो इस पर H प्लस और इधर H, और नेक्स्ट अगर हम दिखाएं तो एक तरफ सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड C, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट तो H H और H प्लस। अब ये तीनों नीचे की साइड भी H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस सभी जगह घूम चुके हैं तो बस जितने बनने थे बन गए। अब ये वाला बॉन्ड इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पॉजिटिव, तो वो पहले जैसा रिपीट करेगा। तो रिपीटिंग मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिपीटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं करते हैं। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस दस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। तो अब स्टेबिलिटीज़ को कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी को कैसे देखा जाता है, जो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि इसको बनाने के लिए एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, इसको चार, इसको सात, इसको दस, तो जितने ज़्यादा ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो बनने में उतनी एनर्जी खर्च हो रही होगी। तो एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी कम होती है, और जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी का जनरली ये रिलेशनशिप होता है। इसीलिए जीरो डिग्री कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल, वन डिग्री उससे ज़्यादा, टू डिग्री उससे ज़्यादा, और थ्री डिग्री वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो हमने यहाँ पे शुरू में ही बोला था कि हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इसको समझा सकते हैं, तो हमने समझा दी है। तो ऐसे ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझ सकते थे। देखो इनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन ये वाले जो ग्रुप होते हैं वो प्लस आई ग्रुप होते हैं, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम तुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और ये भी इन्हें इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जब ये इन्हें देते हैं कम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कुछ हद तक उनकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देंगे। सपोज़ कोई कर्जे में है तो उसके साथ वालों ने कहा तू घबरा मत हम तेरे साथ खड़े हैं, तो भले से वो पैसे भी ना दें लेकिन ये होता है कि उसको एक साहस मिलता है और वो स्टेबल हो जाता है। दैट्स वाई थ्री डिग्री इज़ मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंड डिग्री उससे कम, वन डिग्री उससे कम, और जीरो डिग्री उससे कम स्टेबल, या स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरीके से होता है। तो होप आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आया होगा। अगर यही चीज़ हम फ्री रेडिकल्स के लिए और आपका जो हमने एल्कीन बनाया था उनके लिए भी इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन बना करके समझा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।